डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पाठ्यक्रम थर्ड की वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप में कण पार्टिकल इन वन डायमेंशन फाइनाइट पोटेंशियल डेप्थ पोटेंशियल वेल। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने एक विमीय परिमित गहराई के विभव कूप में हमने जो तीन क्षेत्र थे इन तीनों क्षेत्रों के लिए तरंग फलन जो है वो हमने ज्ञात किए थे। इन तरंग फलनों पर परिसीमा एवं सांतत्य प्रतिबंध लगाकर हमने अबीजीय समीकरण ट्रांसडेंटल इक्वेशंस हमने प्राप्त की थी, जो थी हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू बीटा टेन बीटा ए और दूसरी थी हमारे पास माइनस अल्फा बीटा कोट बीटा ए। तो हमने कहा समीकरण 21 जो थी ये हमारे पास सम अवस्थाओं के लिए थी और समीकरण 22 जो थी ये विषम अवस्थाओं के लिए थी। ये जो समीकरण 21 है फॉर ओड स्टेट्स के लिए और समीकरण 21 जो थी वो इवन स्टेट्स के लिए और समीकरण 22 जो थी वो ओड स्टेट्स के लिए। आज हम कैलकुलेट करेंगे एक विमीय परिमित गहराई में विभव कूप में कण के लिए ऊर्जा आइगन मान आज कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा ऊर्जा आइगन मान एनर्जी आइगन वैल्यू। तो हमने कहा कण की परिबद्ध अवस्था में ऊर्जा आइगन मान ज्ञात करने के लिए हमें इन अबीजीय समीकरणों समीकरण 21 और समीकरण 22 को हल करना होगा। तो इनको हल करने के लिए हम ग्राफीय विधि ग्राफिकल मेथड जो है उसका उपयोग कर देंगे। इसके लिए हमने विमाहीन नियतांकों एक्स इक्वल्स टू एल्फा ए और वाई इक्वल्स टू बीटा ए का उपयोग कर निम्न अबीजीय समीकरणों 21 व 22 का हल प्राप्त करना है। तो हमने कहा समीकरण 21 में हमने इसे दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन हो गई अल्फा ए इक्वल्स टू बीटा ए टेन बीटा ए। तो हमने मान लिया अल्फा ए जो है ये एक्स के बराबर है और बीटा ए जो है ये वाई के बराबर है, तो ये हो गया टेन वाई। तो इक्वेशन हमारी होगी एक्स इक्वल्स टू वाई टेन वाई। इसी प्रकार जो समीकरण 22 है, समीकरण 22 में हमने दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन हो गई माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई कोट वाई। तो समीकरण 21 और 22 से हमने दो समीकरण प्राप्त कर ली, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 26 और ये हमारी समीकरण 27। तो हमने कहा समीकरण 26 जो है वो एक्स इक्वल्स टू वाई टेन वाई सम अवस्थाओं के लिए है, समीकरण 27 है माइनस एक्स वाई कोट वाई। दोनों अवस्थाओं के लिए एक्स तथा वाई धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों कैसे होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम केवल और केवल एक्स की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ही यहाँ कंसिडर करेंगे। अब हमने कहा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि हम बात करें तो इन दोनों का वर्ग करके स्क्वायर करके हमने ऐड कर लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है इसको हमने एक नया नाम दे दिया जिसको हमने नाम दिया गामा स्क्वायर। तो इक्वेशन हो गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर, जहाँ गामा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 28। यदि हम अल्फा व बीटा का मान रखते हैं तो अल्फा व बीटा का मान अल्फा किसके बराबर था, अल्फा हमारे पास था 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बराबर था अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और यदि बीटा स्क्वायर की बात करें तो बीटा स्क्वायर था 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v0 माइनस, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ रखी, यहाँ रखकर हल किया तो गामा स्क्वायर जो है अल्फा व बीटा का मान रखने पर गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 2mv0 ए स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर प्राप्त होता है। यदि हम समीकरण 28 को देखें तो समीकरण 28 एक वृत्त का समीकरण है जिसकी त्रिज्या जो है वो किसके बराबर है, गामा के बराबर है। तो परिबद्ध अवस्था में कण के ऊर्जा आइगन मान ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर और वक्र एक्स इक्वल्स टू वाई टेन वाई सम अवस्थाओं के लिए
या वक्र माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई टेन वाई विषम अवस्थाओं के लिए प्रतिच्छेद बिंदुओं से प्राप्त किए जाते हैं। इन वक्रों के प्रतिच्छेद को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। सुविधा के लिए गामा इक्वल्स टू 1, 3, 5 को वक्र में दर्शाया गया है। गामा इक्वल्स टू 2, 4 आदि की वक्र में कल्पना की गई है। तो हमने वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर तथा वक्र एक्स इक्वल्स टू वाई टेन वाई, इन दोनों की हमने ग्राफ प्लॉट की, ठीक है। इसी प्रकार हमने वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर और माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई टेन वाई के ग्राफ हमने खींच लिए। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदुओं से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके ऊर्जा आइगन मान ज्ञात कर सकते हैं। तो गामा के किसी एक मान के लिए माना वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संगत। तो पहले एक बार हम चित्र की बात कर लेते हैं, उसके बाद में इसे समझेंगे। देखिए ये दो चित्र हमने यहाँ तैयार कर रखे हैं, ठीक है। तो पहले हम जो सम अवस्थाओं के लिए है हम उसकी बात करते हैं। तो जो पहला चित्र है हमारा वो सम अवस्थाओं के लिए, तो इसके लिए हमने कहा सबसे पहले हमने गामा इक्वल्स टू 1 के लिए एक वृत्त खींच लिया, फिर गामा इक्वल्स टू 2 के लिए हम एक वृत्त खींचेंगे, गामा इक्वल्स टू 3 के लिए एक वृत्त खींच लिया, और गामा इक्वल्स टू 5 के लिए और गामा इक्वल्स टू 4 के लिए वृत्त खींच लिया। यहाँ चित्र के अंदर हमने गामा इक्वल्स टू 1, 3, 5 के लिए खींचा है और 2 और 4 की हम केवल क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा, ठीक है, तो अब वृत्त तो हमने खींच लिए, अब हमें x इक्वल्स टू y 10 के ग्राफ जो है वो प्लॉट करने हैं। तो हमें सिंपल प्रोसीजर, हमें x इक्वल्स टू 10 y के लिए ग्राफ प्लॉट करने हैं। तो हमने कहा इधर हमने y ले लिया, इधर हमने x ले लिया, ठीक है। तो अगर y की बात करूं तो y जब 0 होता है, मतलब एंगल जब 0 होता है, तो 10y इक्वल्स टू 0, तो 10y हमने यहाँ 0 ले लिया, ठीक है। अब उससे आगे हम चले, उससे आगे चले तो हमने कहा अगर मैं पाई बाई 2 की बात करूं तो पाई बाई 2 का मान होता है 1.7, ठीक है, 1. पाई बाई 2 निकालना है हमको, तो पाई बाई 2 का मतलब हो गया ये 3.14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 1.57, ठीक है। तो पाई बाई 2 कितना हो गया, 1.57। तो हमने कहा कि 0 से लेकर पाई बाई 2 तक यदि हम 10 के मानों की बात करें तो 10 का मान पहले बढ़ता है और पाई बाई 2 पर कितना हो जाता है, अनंत हो जाता है, ठीक है। तो हमने कहा पाई बाई 2 के लिए 1.57 पर हमने ये देखिए ये वाली लाइन खींच ली, तो यहाँ पर इसका मान कितना है, इसका मान है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 के लिए हमने ये 10 की वैल्यू प्लॉट कर ली, ठीक है। अब 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 और कोट दोनों पॉजिटिव, ठीक है। पाई बाई 2 से लेकर पाई की यदि हम बात करें तो इसका मतलब पाई बाई 2 का मतलब यहाँ से लेकर और ये पाई जो आएगा वो यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक मैं यदि बात करूँ तो 10 के वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, जिससे x नेगेटिव हो जाएगा। हमने कहा x का धनात्मक मान ही लेने हैं हमें, x की ऋणात्मक मान हमें नहीं लेने, तो इसलिए ये जो रीजन है इसके अंदर हमने कोई भी ग्राफ जो है वो प्लॉट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें पाई से लेकर पाई बाई 2 के लिए, 3π/2 के बीच में, फिर हमारे पास 10 और कोट पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे तो 10 के लिए हमने फिर एक और ग्राफ खींच लिया ये वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ 0 से पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 2 से एक बार इसको हटा लेते हैं, हमने कहा 0 से ये जो लाइन है ये वाली, ये हमारी पाई बाई 2 की लाइन है, ये है पाई बाई 2, एक लाइन यहाँ आएगी 3.14 पर, ये पाई की लाइन होगी और ये जो लाइन है ये 3π/2 की लाइन है। तो इस रीजन के अंदर कोट जो 10 जो है वो पॉजिटिव होगा, 10 पॉजिटिव है तो 10 के लिए हमने यहाँ क्या कर लिया, ये ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया ये वाला, ठीक है। फिर दूसरे में
टेन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। टेन नेगेटिव है तो एक्स का ऋणात्मक मान आएगा, हमें केवल एक्स के धनात्मक मान लेने हैं, इसलिए हमने जो दूसरा रीजन था इसमें कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं किया। उससे आगे बात करें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, टेन फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमने ये जो ग्राफ है ये प्लॉट किया, ये हो गया पाई से लेकर 3π/2 के बीच का, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया। अब हम इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ये एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वृत्त को, एक वृत्त को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक वृत्त को ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक वृत्त को ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर मैं दो की लाइन और खींच लूँ तो एक ये यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, और अगर एक लाइन ये चार की ओर खींच लूँ तो ये यहाँ और इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो कुल एक के लिए इंटरसेक्शन एक, दो के लिए भी एक, अगर तीन की बात करूँ तीन के लिए भी एक, चार में दो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे और पाँच में भी कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, दो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो ये वाला ग्राफ हमने समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। तो दूसरे ग्राफ के लिए चलने के लिए हमने कहा दूसरा ग्राफ हमारा है माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई कॉट वाई। तो हमने कहा सबसे पहले हम पाई बाई टू के लिए बात करें तो पाई बाई टू यहाँ आएगा, ये 3π/2 हो गया, और उससे आगे जो आएगा वो हमारा 3π/2 वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से लेकर π/2 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से π/2 में कोट पॉजिटिव होगा, परंतु कोट पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, कोट के धनात्मक मानों के लिए एक्स का मान ऋणात्मक आ रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कोट की वैल्यूज़ नहीं लेनी है, तो हमने यहाँ पर कोई भी ग्राफ जो है वो प्लॉट नहीं किया है, ठीक है। अब हम आए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया पाई बाई टू से लेकर पाई तक, मतलब 1.57 से लेकर 3.14 तक, ठीक। इसमें कोट का मान नेगेटिव होगा, कोट का मान नेगेटिव होने से एक्स का मान जो है वो धनात्मक आ जाएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ क्या किया है, ये ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम थर्ड क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोट धनात्मक पॉजिटिव होता है, इसलिए एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो ये वाला रीजन है ये इस लाइन से और इस लाइन के बीच का, यहाँ हमने कोई भी ग्राफ प्लॉट नहीं किया है। उससे आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव, तो हमें एक्स की वैल्यू जो है वो धनात्मक मिलेगी, तो उसके लिए हमने आगे फिर जो कर्व जो है वो प्लॉट किया है। तो हमने यहाँ सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ग्राफ जो है वो प्लॉट किया है, ठीक है। साथ ही हमने वृत्त जो है वो भी हमने क्या कर ली, ये खींच ली। अब हम कह रहे हैं इन वक्रों के और इस वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु, एक हमें यहाँ मिल रहा है, एक हमें यहाँ मिल रहा है, एक हमें यहाँ मिल रहा है। यदि मैं चार के लिए और वृत्त खींच लेता, यदि मैं चार के लिए और वृत्त खींच लूँ तो चार का वृत्त इस प्रकार आएगा, ये एक हमें और मिलेगा प्रतिच्छेद बिंदु। अगर मैं दो के लिए और खींच लूँ तो दो के लिए हमें एक और मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों से हम चल कर आए, ठीक है, इसके लिए भी हमने दो के लिए भी खींच लिया और चार के लिए भी खींच लिया। अब हम एक एक के लिए, जब गामा का मान एक है तो हमें केवल एक ही अवस्था प्राप्त होती है, जो कि कैसी है, सम अवस्था है, ठीक है। यहाँ कोई भी वक्र जो है इस वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, गामा इक्वल्स टू वन वाले को, सिर्फ गामा इक्वल्स टू वन के लिए सिर्फ यही प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गामा इक्वल्स टू वन के लिए केवल एक सम अवस्था होगी, गामा इक्वल्स टू टू के लिए एक ये सम अवस्था हो गई और दूसरी ये वाली जो है ये भी सम अवस्था हो गई। तो गामा इक्वल्स टू टू के लिए एक सम अवस्था होगी और एक विषम अवस्था होगी। गामा इक्वल्स टू थ्री की मैं यदि बात करूं तो गामा इक्वल्स टू थ्री के लिए एक सम अवस्था और एक विषम अवस्था होगी, ठीक है। अब गामा इक्वल्स टू फोर के लिए हमारे पास दो तो सम अवस्थाएं होगी और एक विषम अवस्था होती है। गामा इक्वल्स टू फाइव के लिए दो सम अवस्थाएं और दो ही क्या होती हैं, विषम अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इनके लिए हम एनर्जी का मान किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे ये हमने यहाँ प्रदर्शित किया है, ठीक है।
तो हमने कहा गामा के किसी एक मान के लिए माना वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं के संगत x इक्वल्स टू एल्फा ए के निम्न मान ग्राफ से प्राप्त होते हैं, ठीक है, x1 x2 xn, ठीक। तो ये हम निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे ये x की वैल्यू निकल गई, 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 ये x की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ठीक है। तो गामा के किसी एक मान के लिए, जैसे अगर गामा इक्वल्स टू 1 है तो केवल x1 मिलेगा, गामा इक्वल्स टू 2 है तो उस कंडीशन में x1 और x2 मिलेगा, गामा इक्वल्स टू 3 है तो उस कंडीशन में हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी, गामा इक्वल्स टू 4 के लिए 3 और गामा इक्वल्स टू 5 के लिए ये 4 वैल्यूज़ प्राप्त होंगी। तो हमने कहा गामा के किसी एक मान के लिए माना वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं के संगत एक्स इक्वल्स टू एल्फा ए के निम्न मान ग्राफ से प्राप्त होते हैं x1 x2 डॉट 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 xn। तब परिबद्ध कण की ऊर्जा, तो परिबद्ध कण की ऊर्जा e इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या किया, जो अल्फा स्क्वायर था वो किसके बराबर माना था शुरू में, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, तो वहां से हमने e की वैल्यू लिख ली। अब अल्फा स्क्वायर की बात करूं तो अल्फा जो है वो x अपॉन a के बराबर होगा, तो ई एन इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर हो जाएगा, ये इस प्रकार से। तो ई एन इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर हो जाएगा। तो गामा इक्वल्स टू 5 के लिए चित्र के वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदुओं के लिए प्राप्त मानों से कण की परिबद्ध अवस्था के लिए निम्न 4 आइगन मान प्राप्त होते। तो जब हम इन एक्स के वैल्यूज रखेंगे यहां से निकाल कर, तो हमें E1, E2, E3, E4 4 वैल्यूज प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो 5 की हम बात करें, गामा इक्वल्स टू 5 के लिए 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, तो E की कितनी वैल्यूज मिलेंगी हमें, 4 वैल्यूज मिलेंगी। तो E1 इक्वल्स टू 0.93 वोल्ट V0, E2 इक्वल्स टू माइनस 0.93 V0, E3 इक्वल्स टू माइनस 0.41 V0 और E4 इक्वल्स टू माइनस 0.04 V0। तो ये जो पहली वैल्यू है ये भी माइनस में आएगी क्योंकि हमने लिया था E इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये भी नेगेटिव होगी, इसको हमें क्या लिखना है, हमें नेगेटिव लिखना है।